भैया होन, एक समय की बात है। एक किसान था, उसने अपने खेत में गन्ने बोए थे और गन्ने बड़े बड़े हो गए थे। किसान दिन भर तो खेत में रहता था, पर शाम को वह घर चला जाता था। जब गन्ने पक गए तो क्या मोदी जी, दूसरे ने उनके गन्ने काट ले गए क्या? नहीं योगी जी, किस्सा आगे तो सुनो, बड़ा मजा आएगा। गन्ने जब पक गए तो उन गन्नों को खाने के लिए इंद्र का हाथी आता था। वह रोजाना रात में आता था और गन्ने खाकर चला जाता था। किसान जब दिन में जाता था, उसको लगता कि गन्ने कम हो गए हैं और गन्ने टूटे फूटे दिखाई दे रहे हैं। तो किसान ने सोचा कि रात में कोई ना कोई जरूर आता होगा गन्ने खाने के लिए। तो वह किसान खेत में रात रुका, और भैया रात हुई तो इंद्र का हाथी गन्ने खाने के लिए आ गया। और इंद्र का हाथी अपनी धुन में गन्ने खाए जा रहा है। वो इधर से किसान एकदम तुक लगा के बैठा ही था कि कब कौन आए, कब मैं उसको पकड़ूं। तो भैया हाथी तो गन्ने खा रहा था, इधर से किसान गया। मोदी जी, हाथी ने तो एक ही सुन में वो किसान को चित कर दिया होगा चारों कोने। नहीं भैया, सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ। किसान ने भैया हाथी से कहा कि तुम कहाँ रहते हो और मेरे खेत में गन्ने खाने के लिए रोजाना आ जाते हो? अगर तुम मेरे गन्ने खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा और मेरा परिवार क्या खाएगा? तो भैया हाथी ने किसान से कहा कि भैया एक काम करना, मेरे को तुम्हारे गन्ने अच्छे लगते हैं तो मैं तुम्हारे गन्ने खा लेता हूँ, और मैं तुमको, तुम मेरे लोग चलना, मैं तुमको वहाँ पर लड्डू खिलाऊंगा। तो किसान ने कहा कि चलो ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा कैसे? मोदी जी, सिंपल सी तो बात है, हाथी अपनी पीठ पर बैठा रहता वो चला जाता। नहीं राहुल भैया, ऐसा नहीं है। हाथी तो मात्र अपनी पीठ पर इंद्र को ही बिठाता था, किसी और को नहीं बिठाता था। तो हाथी ने कहा कि एक काम करना भैया, तू मेरी पूंछ पकड़ लेना और मेरे साथ चल देना। तो किसान ने भैया हाथी की पूंछ पकड़ ली और हाथी आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते वह अपने इंद्रलोक पहुंच गया, और हाथी ने भैया किसान को जहाँ पर लड्डू रखे थे वहाँ पर लाकर छोड़ दिया। किसान ने भैया लड्डू होन को देखा, इतने सारे लड्डू, और लड्डू भी छोटे मोटे नहीं, अरे तोप के बराबर के लड्डू। किसान ने सोचा कि एक लड्डू में तो मेरा पूरा परिवार 4 दिन तक खा सकता है। किसान ने ऐसा सोचा और फिर लड्डू खाने झुक गया। अब किसान से कितना लड्डू खवाए, उसने थोड़ा बहुत खाया और उसका पेट भर गया। और किसान ने भैया थोड़ा बहुत अपनी जेब में लड्डू रखे और हाथी की पूंछ पकड़ कर दूसरी रात वापस आ गया। और भैया उसने अपने परिवार वालों को लड्डू खिलाए और गांव वालों को भी खिलाए, और फिर दूसरी रात का इंतजार करने लगा किसान। किसान ने भैया दूसरी रात फिर अपने घर से झोला उठाया और भैया रात में भैया हाथी के साथ फिर इंद्रलोक गया। फिर वहां से भैया झोला भरकर लड्डू घर भी लेकर आया और पेट भरकर खाकर भी आया। और भैया अपने घर वालों को भी खूब लड्डू खिलाए और गांव वालों को भी थोड़ा थोड़ा लड्डू देता था। तो भैया गांव वालों ने उस किसान से पूछा कि भैया तुम ये लड्डू कहाँ से लाते हो, कौन सी दुकान से लाते हो, हमें भी ले चलना, हमको भी लाना है। तो भैया किसान ने गांव वालों को सारी बात बता दी। तो गांव वालों ने उससे कहा, अरे भैया तूने रात में सपना देखा होगा, इंद्र से कोई भला लड्डू भी ला सकता है। योगी जी, एक काम करो, आगे की कहानी तुम्ही सुना दो, मैं तो घर जा रहा हूँ। नहीं मोदी जी, तुम्ही सुनाओ। योगी जी, आप बीच में बार बार टोका मत करो, तुम तो उनकारे दो, सुनाओ मोदी जी। तो भैया गांव वालों ने उससे कहा कि भैया हमको भी ले चलना यार, हमको भी लड्डू खाना है, हम भी ले आएंगे घर झोला भरकर। तो किसान ने कहा कि भैया मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलना आज रात में मेरे खेत में, अपन सभी लोग चलेंगे लड्डू खाने के लिए, और सब अपने अपने घर से झोला ले चलना और भरकर भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो भैया गांव वाले होने सब अपने अपने घर से झोला उठाया और भैया रात में उस किसान के खेत में चले गए। और भैया रात में हाथी गन्ने खाने आया, हाथी ने पेट भरकर गन्ने खा लिए और भैया हाथी का जाने का टाइम हो गया। तो किसान ने कहा कि भैया मैं भी चलता हूँ। तो हाथी ने कहा कि भैया तूने तो पूरे गांव वालों को लिया है, क्या बात है? तो किसान ने कहा कि भैया ये लोग भी लड्डू खाने के लिए तुम्हारे लोग पर जाना चाहते हैं। तो हाथी ने कहा कि चलो ठीक है भैया, पकड़ लो मेरी पूंछ। तो भैया किसान ने तो सबसे पहले हाथी की पूंछ पकड़ ली। इसके बाद उसने कहा किसान ने सभी गांव वालों से कि एक काम करो भैया, तुम मेरी टांग पकड़ लो, फिर उसके बाद में तुम दूसरी टांग पकड़ लेना, फिर तुम दूसरी टांग पकड़ लेना, ऐसे करते करते भैया लाइन लगा लो। तो भैया सभी गांव वालों ने एक दूसरे के हाथ और पैर पकड़ लिए और लंबी लाइन लगा ली, और भैया हाथी आकाश में उड़ चला। हाथी भैया आकाश में आधी दूर पहुंचा था, नीचे से एक भैया था, उसके दिमाग में आई, उसके मुंह में ज्यादा ही पानी आ रहा था। उसने कहा, अरे भैया सुनो तो सही। ऊपर वाले ने कहा, क्या बात है? अरे भैया लड्डू कितने बड़े बड़े होंगे? तो उसने कहा, अरे मेरे को क्या मालूम, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, ऊपर वाले से पूछो जो गया है। तो एक काम कर भैया, तू ऊपर वाले से पूछ कि कितने बड़े लड्डू मिलते हैं। तो उसने और आगे वाले से पूछा कि भैया लड्डू कितने कितने बड़े मिलते हैं।
तो उसने भी यही कहा कि मेरे को क्या मालूम, वो जो गया उसको पता है कितने बड़े लड्डू मिलते हैं। फिर भैया उसने जोर से उस किसान से कहा, अरे भैया सुनो तो सही, क्या बात है भैया, कोई तकलीफ है क्या? तो भैया उसने कहा, अरे भैया जरा बता तो सही कि लड्डू कितने बड़े बड़े मिलते हैं। पर भैया वो किसान तो हाथी की पूंछ पकड़े हुए था, तो भैया वो किसान अचानक भूल गया और भैया वो किसान ने हाथी की पूंछ छोड़ दी और भैया हाथ से बताने लगा कि भैया इतने बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं। हाथी की पूंछ जैसे ही छोड़ी तो सब भैया एक के बाद एक टप 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 सब नीचे आ गए। नीचे भैया सब गांव वालों का ढेर लग गया। धीरे धीरे भैया आदमी उठे, सबको जोर से लग गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूट गया, किसी को माथे में लग गई, किसी को कहीं लग गई। सब धीरे धीरे वहां से उठने लगे और भैया एक ने बोला, अरे तेरे को क्या जरूरत थी कि कितने बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं, मुंह से ही बोल देता, हाथ छोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे तो भैया पूछा था किसने, उससे बोलो। अरे पूछा था किसने, पूछा था किसने, लड्डू के चक्कर में तो अपने हाथ पैर तोड़वा लिए भैया, ऐसे लड्डू से तो वैसे ही अच्छे। भैया सब गांव वाले लंगड़े लूले हाथ पैर टूटे हुए करांचते करांचते अपने घर चले गए और भैया सोचा कि अब कभी भी लड्डू खाने नहीं जाएंगे। और वो किसान ने भी कहा कि भैया अब लड्डू नहीं खाऊंगा, ऐसे लड्डू से तो वैसे ही अच्छा। और भैया किस्सा खत्म। वाह मोदी जी, मजा आ गया तुम्हारा किस्सा सुनकर। गांव वाले बड़े लालची हो गए थे लड्डू खाने के लिए। अरे बीच में रास्ते में पूछने की क्या जरूरत थी कि कितने बड़े लड्डू मिलते हैं, खाकर आ जाते चुपचाप। चलो ठीक है, वो तो होने को कौन टाल सकता है। हाँ तो भैया आपको मोदी जी का किस्सा कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलेनाथ सबके साथ।